अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलाइज़ा, जिसके अंदर हम स्पेशली ज़्यादातर देखेंगे इनडायरेक्ट एलाइज़ा के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन अराइज़ करते हैं कि एलाइज़ा होता क्या है। एलाइज़ा हमारे पास, जिसे हम इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे भी कहते हैं, ये इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसके अंदर हम एंटीबॉडीज़ और एंटीजन के इंटरेक्शंस को देखते हैं एक बायोलॉजिकल सैंपल के अंदर, और जिसे मॉनिटर किया जाता है इंजाइम्स की मदद से। इसके अंदर बेसिकली हम बाद में सब्सट्रेट डालते हैं, जो नॉन कलरस सब्सट्रेट होती है वो अपने एंजाइम के साथ मिलकर कलर प्रोड्यूस कर देती है, जिसके बाद में हम जाकर क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट के नाम से जाना जाता है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो कलर प्रोड्यूस हो जाती है, अगर नहीं होता तो किसी किस्म का कोई कलर नहीं ज़ाहिर होगा। इसके अंदर जो एप्लीकेशंस की बात की जाए, एप्लीकेशन के अंदर हम जो है सीरम एंटीबॉडी कंसंट्रेशन को देखते हैं, या फिर डिफरेंट एलर्जीज़ को देखते हैं, हाइपर सेंसिटिविटीज़ को देखते हैं, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को देखते हैं, जैसे कि HIV है, या फिर काफ़ी कोल्ड वायरसेस हैं, बर्ड फ्लू है, और भी काफ़ी हमारे पास प्रेगनेंसी हारमोन्स को देखते हैं, हम इवन प्रेगनेंसी को भी डायग्नोज करते हैं, या फिर हम जो है ड्रग एलर्जीज को देखते हैं। सो देर आर लॉट्स ऑफ टेस्ट जो हम इसके मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। जो कलर प्रोड्यूस होता है सब्सट्रेट के अंदर, उसे हम एक स्पेशल किस्म की इंस्ट्रूमेंट से, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक प्लेट रीडर जिसे कहते हैं, उसकी मदद से हम उसे मेजर करते हैं। जो 96 वेल्स के अंदर जितना भी कलर एब्जॉर्ब होता है विद इन सेकेंड हमें इसकी रीडिंग देता है। सो फर्दर अगर हम इनडायरेक्ट एलाइज़ा के बारे में बात करें, इसके अंदर बेसिकली दो तरह की एंटीबॉडीज़ यूज़ होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ हैं वो एंजाइम के साथ लिंक्ड हुई होती हैं। सो इसके प्रोसीजर कुछ इस तरह से है। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम एंटीजन को माइक्रोटाटा प्लेट के अंदर कोट करेंगे, सैंपल डालेंगे, फिर वॉश करेंगे, फिर प्राइमरी एंटीबॉडी को डालेंगे, देन अगेन इसे वॉश करेंगे, फिर हम सेकेंडरी एंटीबॉडी को डालेंगे जो हमारे पास एंजाइम के साथ लिंक्ड हुई होती है, वो जाकर प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाएगी, देन हम उसे वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद हम उसके अंदर जो एंजाइम्स हमने यूज़ किए हैं उसके रिलेटेड हम सब्सट्रेट डालेंगे, फिर उसके हम कलर को मेजर करेंगे। अगर रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो कलर प्रोड्यूस हो जाता है, अगर रिजल्ट नेगेटिव होता है तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई कलर की प्रोडक्शन नहीं होती। तो मुख्तलिफ इकसाम के इंजाइम्स इस टेस्ट के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एल्कलीन फॉस्फेटेज है, या फिर हॉर्स रेडिश परऑक्सीडेज है, गैलेक्टोसाइडेज है। तो इस तरह के काफ़ी इंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं जो अच्छा अप्रोच रखते हैं, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, और इस तरह के एडवांटेजेस होने के साथ साथ ये सेफ़ भी होती हैं और लेस कॉस्टली होती हैं और ईजिली मार्केट्स के अंदर अवेलेबली मिल जाते हैं। इवन फर्दर अगर हम इसे कंपेयर करें डायरेक्ट एलाइज़ा के साथ, जिसके अंदर हमारे पास सिंगल एंटीबॉडी यूज़ होती है और इसके अंदर हमारे पास दो एंटीबॉडीज़ यूज़ होती हैं। डायरेक्ट एलाइज़ा लेस स्पेसिफिक होती है, उसके अंदर सिंगल एंटीबॉडीज़ यूज़ होती हैं, और हमारे पास जो इनडायरेक्ट एलाइज़ा है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है क्योंकि इसके अंदर दो एंटीबॉडीज़ होती हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी ये भी है कि दो एंटीबॉडीज़ होने की वजह से हमें काफ़ी औकात पर जो है वो क्रॉस रिएक्टिविटी देखने को मिलती है।